गाइस वेलकम बैक टू चैनल कसब काय मंडली। होप सब लोग ठीक रहेंगे। लास्ट टू ब्लॉग्स तो अपने देखे ही रहेंगे। कल जरा एक ब्रेक हो गया था बिकॉज कल अपने ऑफिस वर्क में अटक गया था, बट अभी बैक टू फॉर्म वापस आ चुके। मैं हर बार बोलता हूँ ना ब्रेक के बाद वापस आ चुके। तो आज मैंने प्लेटिना को ब्रेक दे दिया। प्लेटिना को बोला भाई प्लेटिना तो रुक जा, आज एनएस का दिन है। कुछ नहीं, एनएस का जो ये है अपना एक फ्रेंड है, आपको पता ही रहेगा आदित्य, जिसके पास वाइट एनएस है, तो उसके एनएस के नंबर प्लेट का कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है, नंबर प्लेट नहीं बनानी है, तो वो उसके लिए आज जा रहे अपने वही पहचान वाले जो रेडियम भाई है उनके पास। तो उनके पास जाएंगे, रे अपना जो नंबर प्लेट का काम है वो खत्म करेंगे। उसके बाद सुखनील भाई के पास जाना है कि टैंक बैग सुखनील भाई कब आएगा, इतना टाइम हो गया। तो वो टैंक बैग का काम है। उसके बाद एक दोनों गाड़ी पे राउंड मारेंगे क्योंकि ये भी गाड़ी बहुत टाइम के बाद निकाली है। लाइक मैं मुरबाड़ राइड पे गया था, उसके बाद एक या दो बार मैंने गाड़ी चलाई, उसके बाद ये गाड़ी चलाई नहीं। तो मेरे को ये गाड़ी को भी चला के वार्म रखना चाहिए ना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा कि दोनों गाड़ी खर्चे पे खर्चे रहेगी। अभी प्लेटिना कैसे बना के रख दिए, रोज चलाता हूँ, पेट्रोल रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सी ना भी एनएस के साथ पेट्रोल इसमें है नहीं, देख सकते हो फ्यूल इंडिकेटर जो, और पेट्रोल भरेंगे, मतलब आज भी बहुत काम है। ये देखो आदि दुकान गए, One eternity later. यहाँ पे बेनिली आई हुई है, एक्सेल का उसके ऊपर एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे और बहुत सारी बाइक है, निंजा वगैरह। तो अभी अपना रेडियम का भी काम चालू है, नंबर प्लेट बना रहा है, और ये अपनी निम्बस और दूसरी वाइट एनएस यहाँ पे दोनों खड़ी है। सो कौन सी नंबर प्लेट है क्या है सब मैं डिटेल बताता हूँ, शॉप भी किधर वो सब भी बता देता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सब स्क्वाड वेलकम बैक। सो अभी बज रहे 12:20 हो रहे, मतलब एम 12:20 एम हो रहे। मैं अभी जस्ट घर पे आया हूँ और
जस्ट बैठा हूँ अभी एक्शन कैमरे से मेमोरी कार्ड वगैरह निकाला और अभी एडिटिंग में बैठा हूँ। सो वो नंबर प्लेट का सीन हुआ, उसके बाद मैं मेरे ऑफिस वर्क पे गया, उधर मूड थोड़ा खराब हुआ, फिर उधर से स्वप्निल भाई के पास गया, स्वप्निल भाई को पूछा, वो भी शूट मैंने किया नहीं, स्वप्निल भाई को पूछा टैंक बैग का बारे, तो उनके पास कल दोपहर को या कल रात तक टैंक बैग आ जाएगी, उसके बाद हमें मिलेगी। सो है अपकमिंग वीडियोस है बहुत सारे। सो अभी मैं क्यों रुका हूँ, मतलब मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया है कि डेली वीडियोस आएंगे, सो आएंगे एट एनी कॉस्ट। सो इसीलिए अभी मैं बैठा हूँ एडिट के लिए, एडिट वगैरह करके कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगा 3 बजे एज प्रॉमिस। ये भी ब्लॉग आएगा, बंदर नाचेगा, और जल्दी बहुत सारे राइड आ रहे हैं, मार्शेद राइड आ रही है, उसके बाद मुरबाड़ राइड आ रही है, उसके बाद चारोटी राइड आ रही है, राइड आ ही रही है। उसके पहले बाइक वॉश करनी अपने को, हेलमेट क्लीन करना है, हेलमेट आपको दिखा दो, हेलमेट देखो पास से देखो स्क्रैच है, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रैच, स्टिकर भी अभी तक नहीं निकला नए वाइजर का, और आपको ओडो तो स्मेल नहीं कर सकता, बट अंदर से हेलमेट बहुत गंदा हो चुका है, तो इसको भी क्लीन करना है। ये देखो जैसे आपको स्ट्राइप्स बता देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं बट ये देखो अंदर से पूरा गंदा हो चुका है। सो हेलमेट की मरम्मत करनी है, टॉप बॉक्स का वो जो रैक है उसको फिट करना है, अभी भी प्रॉपरली वो फिट नहीं हुआ, इसलिए मैं टॉप बॉक्स बहुत सारे अपने पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं टॉप बॉक्स यूज नहीं कर रहा हूँ। सो वो सब है, धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट होगा। सो आज के लिए बस इतने शॉर्ट व्लॉग है, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया रहेगा तो, भाई अपने भाई को आगे बढ़ाओ जल्द से जल्द, क्योंकि राइट वीडियोस आ रहे हैं और एक नया कैमरा भी आ रहा है, नया कैमरा एंगल भी आ रहा है। सो स्टे ट्यून, बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।